स्पीति दौरे के दौरान विधायक रवि ठाकुर ने स्पीति के मशहूर की गोम्पा में वार्षिक धार्मिक उत्सव गुइथर में शिरकत की। इस उत्सव को स्पीतिवासियों ने हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया। इस धार्मिक उत्सव में लाहुल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि बौद्ध धर्मानुयायियों का विश्वास है कि किसी समय धरती पर दानवों का बोलबाला था। देवी देवता उनको खत्म करने के लिए कई प्रकार के रूप धारण करके स्वर्ग से धरती पर उतरे और उसी रूप में उनसे लड़ाई की और दानवों को खत्म किया। गुइथर उत्सव विश्व शांति और आने वाले साल की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए भी मनाया जाता है। गुइथर उत्सव में की गोम्पा के लामाओं ने ब्लैक हेड, धर्मराजा डांस और दानव नृत्य प्रस्तुत किया। नर्तकों ने मुखोटा और ढीली ढाली चोगानुमा कीमती पोशाकें पहने छम नृत्य किया, जिन्हें प्रेतात्माओं के प्रतीक माने जाते हैं, जिनका उद्देश्य बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत दर्शाना होता है। उन्होंने कहा, प्रदेश में इस समय आपदा आई हुई है। प्रदेश सरकार हर संभव सहायता लोगों को प्रदान करने की कोशिश कर रही है। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्पीति में बारिश और बर्फबारी से भारी नुकसान हुआ है। खुलास्का गांव के प्रभावितों का पुनर्निवास करवाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने चोमो के लिए मासिक पेंशन दी जाएगी। लाहुल स्पीति के विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में फंसे गद्दी लोगों रेस्क्यू करने के आदेश जिला प्रशासन को दिए थे। इसके बाद 1200 से अधिक भेड़ों को गद्दी लोगों सहित रेस्क्यू किया गया। इस मौके पर आला प्रशासन के अधिकारी, TAC सदस्य वीर भगत, केशांग रापच्छीक, सन्नी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राम सिंह, सोशल मीडिया कांग्रेस ब्लॉक कमेटी अध्यक्ष यश बौद्ध, सोशल मीडिया यूथ कांग्रेस ब्लॉक कमेटी छेवान सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। आशा से गोम्पा में जाने का मुझे मौका मिला। गुमन गोम्पा में मंदिर था 2019 में एक पार्सल, एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक पार्सल का वो परफॉर्मेंस दिलाई ना मुझे आया था उसका उद्घाटन करने के लिए। और रिपुम में गोम्पा में उन्होंने उसका उद्घाटन किया। उसके बाद दुर्गा हमारा रिपुम के बाद ज्योतिर्लिंग में वो तारा देवी का जी टाइप अभिषेक किया उन्होंने। और उसके बाद हमने सरसे में हमारे 1000 वर्ष पूरे होने पर सब चौंकावा जी का उसका भी कार्यक्रम है। उसके बाद हम लोगों ने इसी तरह से चीज में भी भाग लिया परफॉर्मेंस दिलाई लगा जी का। तो ये सारे आयोजन वहाँ पर करें तो मुझे वहाँ पर जानकारी मिली और किस पद पर आप बैठे हैं और पूरे दुनिया के अंदर आप धर्म फैला रहे हैं। इसी तरह से हमारे कृष्ण जी आज हमारे बीच विराजमान है, जो इनका कर और नीचे लोग सब जानते हैं, रामगढ़ सब जानते हैं, इस तरह से अध्ययन करते हैं, घर परिवार छोड़ के पूरा समर्पित होकर बहुत धर्म Thank you.
बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम बहुत अगर आगे के जाने के लिए विकसित करने के लिए कोशिश करते हैं, मगर दूसरी तरफ हमको क्योंकि हम समाज में रहते हैं और दुनिया में रहते हैं, गलत से गलत लगा के चलना होता है आगे, तो हमें जबानी रखी हुई है, हम सब बहुत अलग के रहे हैं, मगर वो किस तरह से अपने आप को विकसित करते हैं, किस तरह से जीवन शैली है उनकी और किस तरह से आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में गलत से गलत लगा के और देशों के साथ आगे निकलते हैं, उसी तरह से हमको भी स्थिति गाड़ी को संजोड़ना है और इसमें कोशिश करनी है कि एक और अथीरियल तरीके से एक उसमें संस्कृति सभ्यता भी हो, मगर उसके साथ साथ हमें आधुनिक युग के साथ मिलकर आगे भी करना है। ये जरूरी है कि हमें सब नियमों का पालन करना है, धर्म के नियमों का पालन करना है और एक विश्व नियमों का भी पालन करना है, मगर इसमें ये नहीं है कि आप एक तरफ रहें तो उसको आप मध्य मार्ग जो गौतम बुद्ध ने कहा उसको ले रहे हैं और आपको एक आधुनिक युग के साथ मिलकर यहाँ पर चाहे हमें गगन को बढ़ावा दे रहे हैं या यहाँ पे हमें अच्छी फसल को बढ़ावा दे रहे हैं और यहाँ पे अपने समाज को में उत्थान ला रहे हैं और पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बना है, सब के लिए हमें बिल्कुल काम कर रहे हैं और ये चाहे शारीरिक प्रकरण कहे चाहे मेरा हमेशा विकास की ओर ध्यान रहता है क्योंकि आप लोगों ने मुझे चुना है विधायक और मेरे तरह पिताजी भी न्यायालय ठाकुर थे वो भी यहाँ पे चुन के जाया करते थे ताजी की अरब की सरकार में माल जाया कर रहे थे कौन सा काम कर रहे थे माता जी भी चुन के जाते थे, तो मैं एक ऐसे परिवार से संबंध रखता हूँ जो कि हमेशा कोशिश करता है कि समाज की सबका एक समाज विकास हो और इसी तरह से जब जब मुझे कभी खासतौर से कि गोपाल गढ़ की माटी का कोई भी किसी भी तरह का कोई आवेदन हो या कार्य हो तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसे प्रथम श्रेणी लाकर उसे उसका निष्कर्ष लाकर उसे सॉल्व करूँ और दूसरा आदमी यही भी आप लोगों को बताना चाहूँगा खासतौर से कि गोपाल के व्यापारगढ़ का ग्रहण हो और कि मेरे जितने भी लोग बच्चे हैं हमारे लिए दुनिया है यहाँ पे कि आज हमारी ठाकुर सुखविंदर सिंह कांग्रेस सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना जो कि बारहवीं लाख की लागत से है उसे पूरा किया और की मैदान में बारहवीं लाख की योजना पूरा करके पूरे की मैदान में पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें चैनल बना दिए आज समय पर किया आज का उद्घाटन कर दिया और इसमें 50 बीघा जमीन हमारे रामागढ़ की भी है तो मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ कि गोपाल को और तमाम सभी लोगों को और अभी मेरा ये कह रहा था कि ये उद्घाटन तो हो गया है बादशाह मगर मुझे यहाँ पे ये आवेदन आया है कि इसमें 25-30 लाख और लगे हैं इस मंच में जो अभी राम जी ने दिया था, तो जो भी लगता है इसका किसी नए तरीके से जो करके या कोई कल्चरल इसमें उत्थान करके इस तरह से भूख देंगे इसको में पैसा देंगे क्योंकि उद्घाटन इसका ऑलरेडी हो चुका है, इसका दोबारा से हमारी सरकार भी जो नया कोई किसी धारा के साथ हम जोड़ कर इसमें पैसा देंगे तो उसका अलग से हमको एक किसी उसके नियम के तौर से हमको देना पड़ेगा, तो मैं जरूर दूंगा। धन्यवाद। जय जय वो भारत की प्राचीन परंपरा और सभ्यता को तिब्बत में नालंदा विश्वविद्यालय जो कि सबसे पुराना हमारा विश्वविद्यालय है पूरी दुनिया का वो लेकर तिब्बत गए और तिब्बत से वो यहाँ पर सिद्धि घाटी में हम लोग की बहुत मठ है यहाँ पर झगड़ा लगा है और ये कृषि लोगों की तरजी में है, हम सब जानते हैं कि योजन रुकू जी कृषि लोगों को जहाँ 8,850 तिब्बत में तो ये दूसरे नंबर जी के बाद इनकी श्रेणी थी तो इस उस छोटी के वो धर्मगुरु है जो कि 1918 है हमारा, तो बड़े विधिवत तरीके से यहाँ बहुत मठ हमारा की होगा यहाँ पे पूजा अर्चना होती है और सबसे खुशी की बात ये कि यहाँ परंपरा जी बार बार आए हैं सर 1972 में आए 80 में आए उसके बाद दोबारा से अभी सर 2000 में आए कई बार यहाँ पे आए और उन्होंने लाल से कर अभिषेक भी दिया, इस पर हम धरती पर आकर पूजा अर्चना करना इसमें भाग लेना और जो अभी हमारा ये यहाँ पे हम रहते हैं ये देवरों का रहते हैं और किस तरह से हमारे चमुंडा है या यमराज है या हमारे महाभाग है
कि यहाँ पर आके अपने अपने लोग का ये नृत्य करके और किस तरह से हमको की मार्ग दिखाते हैं और भूत पिशाच या गलत सोच वाले लोगों को दबा कर हमें अच्छी बुद्धि देते हैं और हमारे जो पुराने बुरे कर्म के लिए मानना है हमारे चंद्र के हिसाब से कि वो हमारा जो बुरे कर्म होते हैं वो खत्म होते हैं और आगे हमें अच्छी सदबुद्धि मिलती है। इस तरह का आयोजन किया हुआ है हमने और खासतौर से वो परिवार उनको भी मैं नमन करता हूँ सर जो कि अपने परिवार का एक अहम अंग एक अपने परिवार का बच्चा ये बेटी को भिक्षुणी या भिक्षु बनाते हैं और जो कि इससे भाग लेकर अध्ययन करके एक विषय के तो पी एच डी किया है अलग अलग अध्ययन करके हम शिक्षा विषय ले गए बहुत सारे लोग पूरे दुनिया में फैलाते हैं पर अनुपम जयराम अहमद के इसमें बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा उन्होंने लिया और सभी जितने भी हमारे संचार अलग अलग सबसे उनको भी वो आगे लेने की कोशिश करते हैं और इंटरनेट के माध्यम से मेडिटेशन सेंटर के माध्यम से चलाते हैं।